बोलो और बताओ और क्या वो इधर करो क्या हो रहा है ओ भाई ओ हेलो ओ हट लाइट में क्या है लगा रहा है क्या हो रहा है तूने हाथ कैसे लगाया मेरे को है हाथ पकड़ शांत मुंह बंद कर पीछे मुंह बंद कर ले पीछे शांत हो जा अरे हाथ कैसे उठा रहा है ओ हेलो ओ शांत हो जा शांत अब सुन तेरी क्या सुन इधर आ वो तेरा बॉयफ्रेंड बन रहा है ना वो मेरे साथ है सुन पूछ इससे पूछ बोल पूछ क्या बेबी पूछ बेबी गया तेल लगाने बेबी का बेबा बेवकूफ बनाती है मेरे जैसे लड़कों क्या हुआ हेलो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल आरवी रॉक स्टाइल पे मैं हूँ राहुल वर्मा जैसे कि गाइस आप मुझे जानते ही हैं और इन्हें तो आप जानते हैं एसआरवी प्रैंक से सरफराज तो गाइस आज एक हेल्पिंग वीडियो होने वाली है तो गाइस आज की जो दिक्कत आई है वो आई है विशाल जी की तो विशाल जी पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे तो इनकी दिक्कत आई है वाइफ को लेकर इन्होंने वाइफ का केस आया है इनकी वाइफ इनको कर रही चीट इनको ऐसा लग रहा है तो ये सबूत के लिए मेरे पास आया है कि भाई मुझे सबूत चाहिए इसलिए मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी है तो काफ़ी दिनों बाद ये केस मैंने ऐसा हैंडल दोबारा किया है इससे पहले लास्ट टाइम वाला केस मैंने छोड़ ही दिया था कि लोग का कमेंट आ रहा वाइफ एक्सपोज ज़्यादा करते हो तो ये केस दोबारा गिना है तो दोबारा केस लिया है तो एक बार हम सारी दिक्कत परेशानी विशाल से पूछते हैं क्या दिक्कत परेशानी चल रही है और कब शादी हुई कैसे हुई तो विशाल जी पहले तो मैं जानना चाहूँगा शादी को कितना टाइम हुआ कैसे शादी हुई क्या हुआ सबको दिक्कत क्या चल रही है शादी को मेरी 6 महीने हो गए जी 6 महीने हो गए 6 महीने हो गए ठीक है 2 महीने तक तुम्हारे लिंग से सही चल रहा तो लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी आपकी नहीं अरेंज मैरिज थी हमारी अरेंज मैरिज थी ओके ठीक है 2 महीने तक तुम्हारे लिंग से सही चल रहा था फिर बीच में क्या हो गया हमारी जहाँ मैं जॉब करता था तो कंपनी वाले ने बोला कि आपको बाहर जाना पड़ेगा अच्छा बाहर ठीक है हाँ जॉब के लिए 1 महीने के लिए ओके हम ना फील्ड पे जाते रहते थे अच्छा सर फील्ड की जॉब है आपकी हाँ फील्ड की जॉब थी तो बॉस ने बोला कि आपको बाहर जाना पड़ेगा 1 महीने के लिए तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात ही नहीं तो क्या हुआ फिर हम 1 महीने के लिए बाहर चला गया मैं फिर कुछ जब मैं बाहर गया तो 5-10 दिन मैंने उनको फ़ोन करा तो हमारी रेगुलर बात होती थी शाम के टाइम पे हाँ बात होती थी खाना खाया आपने नहीं खाया खाना वो तो वो सब कुछ ठीक चल रहा था अपना लेकिन 15 दिन के बाद फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जब भी शाम को फ़ोन करूँ मैं तो फ़ोन रिसीव ना करे वो अच्छा हाँ मैं ये कितने दिन चला कि कितने दिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ कितने दिन मतलब 15 दिन तो ठीक चल रहा था मेरे 2 महीने तो ठीक चले हमारे 3rd महीने में बाहर चला गया मैं बाहर जाने लेकिन 15 दिन के बाद जब मैं मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे मैं फ़ोन करूं तो शाम के टाइम पे वो फ़ोन ही रिसीव ना करें जैसे मैं पूछूं खाना खाया आपने खाना नहीं खाया जब 10 बजे के आसपास फ़ोन रिसीव ना करें उसके बाद मैं चलो कोई नहीं काम वाम कर रही होगी कुछ फिर थोड़ी देर बाद जैसे 15-18 घंटे बाद मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन बिजी जाए उसका अच्छा तो फिर मैं उससे पूछता कि कहाँ बातें कर रही हो तो वो यही कहती थी कि क्या बोलते कुछ नहीं वो अपनी फैमिली में मम्मी से बातें कर रही थी पापा का फ़ोन आ गया था मेरे को ये कह के और फ़ोन काट देती थी तो आप वहाँ से कितना टाइम आपको लगा बाहर जब वहाँ से मैं सर्टिनली सही बताऊँ तो मैं 15 दिन बाद ना मेरे को किसी दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास उसने मेरे को ये बोला कि आपकी वाइफ को मैंने किसी के साथ जाते हुए देखा जाते हुए मेरे को हाँ यकीन नहीं हुआ उसने फ़ोन करा कहीं जा रही होगी मेरी वाइफ तो मेरे को पता नहीं था तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करा मेरे फ्रेंड ने कि क्या बोलते भाभी जी को मैंने कहीं जाते हुए देखा तो मैंने बोला मैं तो बाहर हूँ मैं तो उससे मैंने बोला कि आप ये मैंने उनसे पूछा अपनी वाइफ को फ़ोन करके पूछा कि शाम के टाइम पे आप कहीं गए हुए थे वो मेरे को मना कर रही कि मैं तो कहीं नहीं गई थी मैं तो घर में थी ये और मेरे को उसके ऊपर डाउट हो रहा है अभी ये अच्छा हाँ तो इसलिए मेरे को ना फिर वापसी आना पड़ा मेरे को अच्छा तो आपने वीडियोज़ वगैरह देखा हमारे पास आया हाँ। कोई दिक्कत नहीं तो गाइस इनकी दिक्कत इनकी वाइफ इनको कर रही है चीट कि ये जब बाहर गए तो इनकी वाइफ फ़ोन अटेंड नहीं करना प्लस इनके फ्रेंड ने बोला कि इनकी वाइफ बाहर है ये सारी चीज़ें अब मेरे को ये कंफर्म करना है कि क्या बोलते हैं सही है कि सही है कि चलो कोई दिक्कत नहीं तो इनकी चीज़ों को देखते मैंने इनकी वाइफ का इंस्टा और फेसबुक लिया था तो भाई देखो आपकी वाइफ का इंस्टा और फेसबुक लेकर मैंने जो बात कराई कि आपकी वाइफ कैसी है कैसे नहीं है तो बात जो हुई थी वो सरफराज की हुई थी तो सरफराज बताओ क्या बात हुई है जस्ट अभी 1 हफ्ते से ही बात चल रही है भाई 1 हफ्ते पहले मैंने बात करी तुम्हारी बीवी से और वो कोई ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉयफ्रेंड के साथ है वो मतलब यार समझ जाओ मैं बोल नहीं सकता वो ऐसा मुझे तो पता भी नहीं ऐसे मेरे पीठ पीछे ऐसा हो रहा है सच बताऊँ तो मैं भाई हमें भी पता है मजबूरी ये सब चीज़ें करनी पड़ती है प्रूफ करने के लिए तो मैंने बातचीत करी तो कहती है कि ठीक है मैं कहा कि मतलब शादीशुदा हो तुम तो कहती है नहीं अच्छा हाँ प्रोफाइल वगैरह इंस्टा पे दो आईडी बना रखी है एक तो जो आपकी आईडी के बारे में तो मेरे को पता भी नहीं है सच बताऊं तो एक जो उसने बोला कि ये मेरी पर्सनल आईडी है ये घर में मम्मी पापा देखते फिर उस पे हमारी बात हुई और मिलने आ रहे हैं आज
यकीन ही नहीं कर सकता मैं इस बात पर। यकीन कर लोगे, अब कर लोगे, फोन करके मैं पूछवा देता हूँ। और बोलो क्या है, क्या नहीं है, एक बार फोन कर ले। मैं फोन करके पूछवा देता हूँ, जब तो मान जाओगे आप। जो चीज दिखती है वो होती है, जो होती है वो दिखती नहीं, वो चीज। नंबर तो घर वाले ही नंबर है, ये नंबर तो है भी नहीं उसका। हाँ तो ये भाई तुम्हारा जो नंबर है घर में वो नंबर थोड़ी यूज़ करेगी। अभी हेलो हेलो अभी यार आए नहीं, आपने टाइम दिया था कि मैं दोपहर में मिलूंगी, अभी तक भेज रखा तुम्हें। सुन ली भाई आवाज, सुन ली कोई कर रही है, और नंबर भी ये भी घर का नहीं है, नंबर ही हमारे पास आए। मैं आपको पूरा सबूत दूंगा, लाइव दिखाऊंगा, उससे अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप भरोसा भी नहीं करोगे। देखो आपके फ्रेंड ने बताया आपको भरोसा, इसलिए आप हमारे पास। हाँ जब ये तो मैंने सोचा कि जब तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं समझ गया, मैं इनकी वाइफ को आने दो, इनको मैं सारा सबूत लाइव दिखाऊंगा, उसके बाद देखो होता है क्या होता है। तो वीडियो बने रहो, वेट एंड वॉच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो आ गए तुम? हेलो, आने में कोई दिक्कत है? साड़ी वाड़ी पहन के आई हो? शादी वादी कर ली क्या किसी से? तुमसे करने आई हूँ ना। हाँ आज ही सब कुछ कर लेंगे ना। क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, बुलाया है तुम्हें। पसंद तो हुई ना मैं तुम्हें? हाँ पसंद हो तभी इजाजत दी आने की। तो मैंने सोचा एकदम चलते, शायद पसंद आ गए तो तुरंत। बिल्कुल ही मूड में हो क्या, मतलब आते ही तो चले कहीं? चलो अभी पक्का। एक बात बताओ मुझे, तुमने मुझे पार्क में क्यों बुलाया? पार्क में जैसे मूवी से पहले थोड़ा इंटरवल आता है ना, तो मैं सोच रहा था यार थोड़ा, क्योंकि मेरा मूड ना बन नहीं रहा। मैं सोच रही थी तुम शायद कोई काफी वगैरह में ले जाओगे। हाँ चलेंगे ना अभी, फिर थोड़ा मूड तो बना लो। अच्छा मूड यहाँ से बना के चलना पड़ेगा? और क्या, ऐसा भी ऐसा होता है ना। अब तुम्हें अगर बेंच पसंद नहीं है तो यहाँ पे पेड़ भी है बहुत सारे। तो पेड़ से क्या करना है? मैं बताऊँ? बताओ, आ जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे पीछे तो आओ, ऐसे बेंच पे बैठे बैठे स्टूडेंट थोड़ी हम। मैं तुम्हें क्लास देने थोड़ी आया हूँ। इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें मूड बनाना सिखाऊं। क्या हुआ? अरे आगे आ जाओ, हुआ कुछ नहीं है। हाँ, बोलो। सामने आओ, नहीं आता तुम्हें? अच्छा वो कह रहे हो क्या? हाँ। समझ गई, बट इतनी जल्दी थोड़ा सा सांस तो लेने दो, अभी तो आई सांस। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सांस सांस फूलने लग गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर बालों को पीछे कर लो ना इनको, या मैं कर दूं? नहीं मैं खुद कर लूंगी बस। तो बस सारे काम खुद ही कर लेना, हमें तो सेवा का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। करो सेवा, कहाँ से सेवा शुरू करोगे? सेवा जहाँ से आप बोलो कर लो, कहाँ से करनी है? तो पास तो आओ। और कितना पास आऊं? यार थोड़ा अपनी वो कर लो ना, मैं मेरे को नहीं आता ना। तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस है तो सिखा दो। मुझे क्यों एक्सपीरियंस? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही जो मैं कुछ करूँगा, या मुझे कुछ पहले से पता हो। मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यार लड़कियों को पता होता है ना कैसे करते हैं। ऐसा नहीं, मतलब ये क्या मतलब हो कि लड़की को पता होता है? अच्छा चलो इधर आ, थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ, उसके बाद फिर तुम करना, ठीक है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या हुआ, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है चलो बेंच पे आते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते। क्या हुआ? इधर आ जाओ। मेरे को तो नशा सा हो रहा है। नशा? मैं गांजा पी के थोड़ी आया जो तुम्हें नशा होगा। मतलब अच्छी दिखी ऐसे? सामने आ जाओ ना, ऐसे सामने आ जाओ ना। कैसे सामने? मतलब ऐसे? समझी नहीं मैं। मतलब ऐसे मेरे सामने, क्योंकि बातों के साथ साथ फिर एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे ना। ओके हाँ तुम आ जाओ, थक जाओ तो बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बोलो। अब सब मैं बोल दूँ? क्या करवाना बोलो, चाहते हो? बोलो बोलो। क्या करवाना चाहते हो? जो तुम कर सको। मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो कर लो, मैंने मना करा है। तुम होटल 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 कर रही हो तो यहाँ तो होटल चलेंगे ना, होटल चलेंगे ना, थोड़ा स्टार्टअप तो लेन दो। स्टार्टअप होना चाहिए ना यार। यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे क्या करोगे ये बताओ। बस जहाँ जो अभी हुआ था ना, थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल। अब सीख गए ना तुम?
उस टाइम से कह रही थी मुझे कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता। ओके और बताओ। ओ भाई ये क्या कर रही हो? अब तो बिल्कुल ठीक नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक नहीं हो, ऐसे हो जाओ ना मुझे तुम दिख नहीं रही। अब तो ऐसे इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अब आ जाओ। ओके हाँ अब ठीक है। बोलो और बताओ और क्या। इधर करो क्या हो रहा है? ओ भाई ओ हेलो ओ हटना एक मिनट। क्या है हाथ लगा रहा है? क्या हो रहा है? तूने हाथ कैसे लगाया मेरे को? है कौन? कौन है? पता नहीं तेरा मैं क्या क्या जिस मर्जी को बोल। जब तुझे पता है कि मुझे तेरे साथ मजा नहीं आ रहा तो तू क्यों आया? क्या बोल रही हो? तुम जानती हो कैसे? क्या मजा नहीं आ रही है बता। तुम जानती हो इन्हें? मैं भी अब शांत रहो यार प्लीज। नहीं बता तो सही, क्या मजा नहीं आ रही है बताओ तुम? नहीं मजा आ रहा। मैं फोन कर रहा था, मैं बाहर चला गया मैं तो उसके बाद से तुम फोन भी नहीं। ओ भाई ओ हेलो मैं भी हूं यहां पे। अरे मेरी बीबी आ रही है, तू है तो क्या करूं मैं? इधर साइड में हो जा तू पहले। क्या बोल रहा है? धक्का मत दे उसे। ये क्या करेगी तू बता? मुझे तेरे साथ मजा नहीं आ रहा बस। अरे मजा की क्या बात है ये बता, तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी शादी करके। मैं भी शांत रहो ना 2 मिनट यार। तू तो साइड में जा एक मिनट दोस्त। हां बोलो पीछे हट दो। क्या कह रही है तू? ओ यार देखो मेरी बात सुनो। ओ हेलो गाली चढ़ जा। अबे यार क्या ड्रामा कर रहे हैं लोग? हाथ मत लगा दियो। ये बता पहले चल क्या रहा है? ये कब से चल रहा है ये बता। क्या कर रही हो मस्त? कोई दिक्कत? हां दिक्कत है। क्या दिक्कत है तुझे? अपनी पति से ऐसे बात कर रही है तू? पति पति घंटा का पति तू? एक बात बता, पति किस लिए होता है? घर में खुशी देने के लिए। तू एनी टाइम तो बाहर मरवा यार। एक बता एक, मैं 15 दिन के लिए बाहर गया था। मैं 15 दिन के लिए तो मुझे मजा नहीं आ रहा तेरे साथ। तेरे से 15 दिन ही रह गया तू? तू देख बकवास मत कर, समझ गई? बकवास मत कर। ओ हेलो भाई ओए ओए औरत का हाथ उठाते तुझे सर दियो बेवकूफ। एक बात बता बहन, तो तू पहले ये बता तेरे साथ मुझे जब नहीं मजा आ रहा तो क्यों क्यों मैंने पीछे पड़ा हुआ? ये बता क्यों मैंने पीछे पड़ा? हेलो मैडम रुक जाओ रुक जाओ। हेलो हाथ क्यों उठा रही उसके ऊपर? तू कौन है? मैं बता दूं अब तू कौन है? मैं इतनी देर से वहां से देख रहा हूँ, अब इस पर हाथ उठा रहे बंदे। क्या हो रहा है हमारे साथ यार? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। पहले तुम कह रही थी कि कुछ और, तुम्हारा पति भी निकल गया यार। मुझे इसके साथ सच में मजा नहीं आ रहा बेबी। मैं सच बता रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा तो मेरे को भी बना रही थी तुम। मैं वहाँ दूर से देख रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। देख तुम हाथ क्यों उठा? ये हस्बैंड है तुम्हारा, ये बोल रहा है। एक मिनट, वो मेरा हस्बैंड है जो भी। तू कौन है? तू अपनी बोल। मेरी छोड़ दे, मैं कौन हूँ? पहले हाथ कैसे उठा रही है बता मुझे। मैं हाँ ऐसे उठा रही हूँ। शर्म आ रही बोलते हुए? नहीं तो शर्म वाली क्या बात है? शर्म नहीं आ रही? नहीं क्यों नहीं आ रही शर्म? मार क्यों रहा है तू? तू कैसे अभी तू कैसे हाथ उठा रही? कैसे हाथ उठा रही? हाथ छोड़। कान तू बंद कर, बंद कर ले पीछे। बेबी गया तेल लगाने। बेबी का बेबा बेवकूफ बनाती है मेरे जैसे लड़कों को। बेबी बेबी बोल बेबी तुम तो प्यार करते हो। इतना बड़ा बेबी दिख रहा है? प्यार कोई नहीं करते। तुम्हारे हस्बैंड के कहने पे हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है और तुम्हारी औकात भर कर देखा भाई तू? तमाशा है नहीं तमाशा। तू तमाशा बना रही है अपने हस्बैंड का? तो तू मेरे बीच में बता। ठीक है तमाशा बेटा बीच में बता। क्यों ना बीच में? तूने कैसे मेरे साथ ये किया? पीछे हो पीछे हो गुद्दी गुद्दी तू जानती नहीं हमें पीछे हो हाथ लगा रही है। नीचे बैठ जा। हाथ नहीं उठाना। नीचे बैठ ना बनाऊ तुझे हो रहा तभी पीछे हट चल। कैसे धक्का वक्का दे रही है? औरत है ढंग से रह ले। मैं इज्जत से बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ? इज्जत है देख लाइव नहीं पहली है बात है इज्जत है तो हाथ कैसे उठा रही इसके ऊपर तू? तो तू क्या क्यों उठा रहा है मेरे ऊपर? पहले तूने उठाया फिर मैंने उठाया। गाली गलौज कैसे कर रही है? ऐसे ऐसे मार रही है मेरे को। पहले तू ये बता तूने कैसे मुझे चीट किया? तूने कैसे चीट किया मुझे? सुन 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 2 मिनट रुक जा। मैडम सुन लो लोग बात सुन लो। मैंने चीट कर सकते हो? वो बंदा 2 मिनट आके तुमसे वो कर दो चीट हो गया। वो मेरे साथ मैं उसके साथ खुश नहीं हूं बट मैं इसको हर खुशी दे रही हूं ना तो इसने मुझे कैसे चीट किया? यार जो तुमने शादी करा मेरे साथ बता इसे समझा लो वरना भाई जो तुमने शादी करा उसका क्या? सारी बीवी मेरी निकाल दो। यूट्यूबर और ये देख सामने पीछे वहां देख वो लगा कैमरा जो तू देख लो भाई मैं चीट कर रहा हूँ और जो खुश कर रही है वो सारी खुशी उसमें है। मैं तो कोई कमी आने नहीं देता। मैं इसको तेरे हस्बैंड ने मैं बुलाया यहाँ पर कि मेरी वाइफ को मुझे शक है। शक मुझे तो यकीन भी क्या कर रहे हो? उठा मैम नहीं हूं मैं। उठा 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 तुम तो पहचान तुम तो मना कर रही थी कि अभी तो हाथ उठा रही थी। बेबी बोलो बेबी सोना क्या हुआ?
मुंह में आवाज नहीं है। शादी के अभी 2 महीने हुए हैं, तुम अभी से ऐसे कर रहे हो, ये बताओ। और तुम्हारा नंबर भी नया है। ऐसे बहुत नंबर है, बोलना। मुझे तो यकीन भी नहीं, तुम ऐसे कर सकते हो। 6 महीने की शादी में तूने ये रंग दिखा दिए, पता नहीं इसके अलावा कितने बेबी शो ना होंगे। बाहर चला गया मैं, तुम्हारे काम से ही तो गया था मैं, कमाने ही तो गया था मैं। भाई तुझे खुशी नहीं है, मजा नहीं मिलता। मजे चाहिए मैडम को, मजे पता कौन लेगा? सुन ला, अब तुम्हारी फैमिली देख के मजे लेगी, पूरी दुनिया मजे लेगी वीडियो देख कर। क्या गाली देना, गाली बक, अभी बड़ी धक्का दे धक्का। मेरे को दुनिया मजे लेगी वीडियो देख कर तेरी। प्लीज तुम नहीं, नहीं मुझे नहीं रहना। प्लीज प्लीज माफ कर दो मेरे को, प्लीज ना, मुझे नहीं रहना। नहीं मुझे नहीं रहना, नहीं करूंगी नहीं। तुम मार रही हो, तुम गालियां दे रही हो, तो मैं घर के बारे में नहीं सोचा। एक बार भी तुमने ये एक चीज बता, कैमरा देख के माने, कैमरा देखने के बाद ये सब निकलना है। ये कोई घर नहीं है, ये है पार्क। पार्क में सारे लोग इकट्ठे होकर देख रहे हैं, वहाँ वो 3 खड़े, वहाँ 5 खड़े, सब देखा। तू अपने हस्बैंड का हाथ उठा रही, क्या इज्जत है उसकी? उसका ईगो हट नहीं हो रहा? पहचानने के लिए मना कर दिया है? कैसे तुम बीवी पहले मिलना, तो अगर वो लड़का कोई और होता तो बोल देती, इसको पिटवा देती तू अभी 2 मिनट में। और माफ कर दो मुझे प्लीज, मुझे नहीं रहा। क्या माफ कर दो? अब मैडम ये तुमसे लेगा तलाक, और ये वीडियो ना पूरी जगह जाएगी, तब पता लगेगा इज्जत को लेके चलो घर, इनके घर वालों। मजा नहीं आता, मजा हम तुम्हें दिलाएंगे। अपना मुंह उठा और यहाँ से निकलती बन, चलो ना। वो कहीं नहीं तो आएगा, वो तो आएगा, अभी चल वो आएगा तेरे घर पे तलाक के पेपर लेके, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कितने मजे मिलते हैं। मैं कहां जाऊंगी प्लीज, नहीं मुझे नहीं रहना। तुम अभी से कर रही हो, सुन सुन, वहां जा, जहां तेरे बहुत सारे हैं जो मजे देंगे, वहां जा तू। कह रही थी ना मजे नहीं आ रहे, अब मजे लो आराम से मेरे पास। अब वो तलाक देगा तो फ्री, तुम आराम से मजे लो, दुनिया को मजे दो, तुम्हें मजे मिलेंगे। चलो निकलो निकलो, चलो मैडम जाओ। घर के लिए तो सोचा होता, फैमिली वाले के लिए तो सोचा होता, ये बताओ पहले। ऐसे काम करने से पहले तो सोचा होता तुम। ये कैमरा देख के ड्रामे कर रहे हो भाई, इसे निकाल दे। चलो मेरे को नहीं रहना, नहीं रहना उसने, चलो जाओ। चलो घर पे आ गया तलाक के पेपर, ऐसे ऐसे कर रही हूँ भाई। तो सही से लगा हुआ देख लिया मैंने, ये मेरे से तो क्या बोलूं मैं, उधर पे हाथ उठा रही है। समझदार हो, शादी कैसे की है मुझे समझ नहीं आ रहा। घर वालों ने करवाया था शादी, वो तो मेरे से भी गाली गलौज सबसे। क्या बोल, मेरे बारे में सुनने के बाद कमेंट बताना क्या हुआ क्या नहीं। मैं कुछ नहीं कहूँगा वीडियो, आप कमेंट खुद बताओ वीडियो में क्या है क्या नहीं है, वीडियो को देख के आप खुद बताओ। और एक चीज़ और कहूँगा भाई, कोई भी रिश्ता निभाने से पहले लोगों की जांच पड़ताल करना जरूरी है। घर वालों ने कराया था, मैंने कहा चलो ठीक ही है, कोई बात नहीं, हम तो कोई कमी आने भी नहीं देते। वो तो बोल रही है मजे नहीं आते, हर चीज़ मजे में होती है क्या? रिश्ते ना तो कोई वो तो, वो तो आप आगे से लिए, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होता। चलो कोई नहीं। और गाइस कहूँगा, अगर ऐसी कहीं भी दिक्कत परेशानी हो, अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक नीचे है, मेरे से बात कर सकते हैं। तो ऐसी कि नई वीडियो हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।